Hello dear children and parents, I hope you all are fine at home and doing your work very neatly और बहुत अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं, right? Today our next topic is letter F, okay? Letter F, okay? So the next slide is showing us some of the vocabulary words, okay? The first one is F for fish, F for fish. Okay, this is a fish. और fish कहाँ रहते हैं बेटा? In the water. Okay, पानी में रहते हैं ना मछली, right? Okay. Another one is fan. F for fan. F for fan. हमारे घर पे पंखे होते हैं ना? वो क्या करते हैं? हमें अच्छे से मतलब वो है ना air circulation के लिए जरूरी होता है fan, right? और हमें गर्मी नहीं लगती जब हम पंखा चलाते तब हमें गर्मी नहीं लगती है. इसलिए हम फैन चलाते हैं, राइट? द नेक्स्ट स्लाइड इज शोइंग अस एफ फॉर फिंगर. दिस इज फिंगर, एफ फॉर फिंगर. ठीक है, अनदर वन इज फुट, एफ फॉर फुट, एफ फॉर फुट. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज शोइंग अस फॉग. ओके, दिस वन इज अ फॉग. फॉग से हम क्या खाते हैं? हमें नूडल्स खाते हैं, फिर हम ये जो फ्रूट सैलड होता है फ्रूट सैलड खाते हैं, राइट? सो एफ फॉर फॉग, एफ फॉर फॉग. ओके, अनदर वन इज शोइंग अस फिग, एफ फॉर फिग, एफ फॉर फिग. फिग इज अ फ्रूट और हम जनरली उसको ड्राई फ्रूट की तरीके से खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंजीर. ठीक है, अंजीर भी बोला जाता है एंड इट इज वेरी मच हेल्दी. Okay, now the next slide is showing us flower. F for flower. F for flower. कितना beautiful है ना? और हमारे घर पे भी अगर कोई plant में ऐसे flower खिलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है. और ये सब हमने gardens में भी देखा है, right? Okay. Another one is fruits. F for fruits. F for fruits. हमने पहले भी बोला है और आज भी बोलूंगी, एवरी टाइम बोलूंगी कि हमें फ्रूट्स खाना चाहिए. क्यों बेटा? ये हमारा जो हेल्थ है ना वो अच्छा रहता है. ओके, सो ईट हेल्दी फ्रूट्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज शोइंग अस फॉक्स. एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फॉक्स. ओके, इट इज अ वाइल्ड एनिमल एंड इट लिव्स इन जंगल. ओके, अनदर वन इज फ्रॉग. F for frog. F for frog. Frog generally हमें कब दिखता है? During rainy season. Okay? So dear children, here we understood some of the vocabulary words that starts with letter F. Okay? I hope आप अच्छे से पढ़ेंगे. Okay? Thank you so much, dear children and parents. Stay safe at home.